हे गाइस, मैं हूं शिरीष और आप देख रहे हैं बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा गमले या कंटेनर में गिलकी या तुरई उगाने का बेस्ट तरीका। मैं आपको सिखाऊंगा 3G कटिंग का बिल्कुल सही तरीका और किस तरह से 3G कटिंग करके 4 गुना ज्यादा गिलकी उगाई जा सकती है। बीज उगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरे 3 महीनों के स्टेप बाय स्टेप अपडेट्स के साथ, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गिलकी सबसे ज्यादा पौष्टिक सब्जियों में से एक है। ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। गिलकी की बेल जमीन में लगने पर अच्छे तरीके से फलती है, लेकिन यदि आप सही तरीका जानते हो तो आप बहुत ही आसानी से अपनी बालकनी या छत पर गमले या कंटेनर में भी इस तरह से ढेर सारी गिलकियां उगा सकते हैं। दोस्तों, गिलकी के बीज हमेशा हाइब्रिड वैरायटी के लेना चाहिए। हालांकि हाइब्रिड बीज साधारण बीजों से थोड़े महंगे होते हैं, मगर इसका ये फायदा होता है कि हाइब्रिड वैरायटी के बीजों से उगाई गई बेलों में फल भी ज्यादा आते हैं और इसमें बीमारियां भी लगने की संभावना कम होती है। अब मैं बीजों को 24 घंटों के लिए पानी में भिगो देता हूँ, इससे जर्मिनेशन में तेजी आएगी। आप बीजों को सीधे कंटेनर में भी बो सकते हैं और इस तरह की सीडलिंग ट्रे में भी लगा सकते हैं। सीडलिंग मिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए कोकोपीट 60%, वर्मी कंपोस्ट 30%, पर लाइट या सैंड 10%। इसे थोड़ा गीला कीजिए और सीडलिंग ट्रे में भर दीजिए। बीजों को लगभग आधा इंच गहरा लगाइए और मिक्सचर से ढक दीजिए। अब इस ट्रे को एक छायादार स्थान पर रखना है और हमेशा नम बनाए रखना है। 7 दिनों बाद ज्यादातर सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं और अब इस ट्रे को ऐसी जगह रखना है जहां इसे थोड़ी धूप भी मिल सके। दोस्तों, गिलकी की बेल गमले में उगाने के लिए बड़े साइज के कंटेनर की जरूरत पड़ती है। इसे छोटे गमले में लगाने पर बेल अच्छी तरह से नहीं बढ़ पाती और इसके फल भी बहुत छोटे या बहुत कम आते हैं। गिलकी की जड़ें बहुत ज्यादा फैलती हैं और अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए इसे ज्यादा मिट्टी की जरूरत होती है। मैं इस 14 इंच लंबे, 21 इंच चौड़े और 15 इंच गहरे कंटेनर में गिलकी के पौधे लगाने जा रहा हूँ। इसे मैंने पुरानी प्लास्टिक की फ्रूट क्रेट से बनाया है। ध्यान रहे, एक बड़े कंटेनर में सिर्फ एक बेल को ही लगाना है, नहीं तो एक से ज्यादा पौधे होने पर न्यूट्रिशन के लिए पौधे आपस में कंपटीशन करेंगे। दोस्तों, गिलकी किसी भी तरह की मिट्टी में आसानी से उग जाती है, लेकिन गमले में गिलकी की बेल उगाने के लिए हमें न्यूट्रिशन से भरपूर पॉटिंग सॉइल बनाने की जरूरत होती है। इसके लिए बेस्ट पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए गार्डन सॉइल 60%, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट 20%, रेत 20%, एक मुट्ठी बोन मील पाउडर और एक मुट्ठी नीम खली पाउडर जो प्राकृतिक एंटीफंगल का भी काम करता है। लाइट वेट सॉइल मिक्स बनाने के लिए 40% वर्मी कंपोस्ट, 40% कोकोपीट और 20% गार्डन सॉइल मिक्स करके मिट्टी तैयार कर सकते हैं। एक महीने के बाद बेलें लगभग 5 फीट ऊंची हो गई हैं। अब मैं इसमें 3G कटिंग करने जा रहा हूं, जिससे हर बेल में 4 गुना ज्यादा गिलकियां आएंगी। ज्यादा पैदावार के लिए आजकल कई किसान भी 3G कटिंग करने लगे हैं। अब मैं बेल के ऊपर की स्ट्रिप को इस तरह से काट देता हूं। दोस्तों, 3G कटिंग मेथड को एक बहुत आसान डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाने वाला हूं। 3G कटिंग से हर प्रकार की सब्जी की बेलों के साथ साथ मिर्च, बैगन और टमाटर के पौधों में भी पैदावार कई गुना बढ़ जाती है। मान लीजिए ये है पौधे की मेन ब्रांच, जो फर्स्ट जनरेशन ब्रांच कहलाती है। इस ब्रांच में जो भी फूल आएंगे वो सभी फूल मेल ही होंगे। जब ये ब्रांच 5 फीट लंबी हो जाए तो इसकी ऊपरी टिप को काट देना है। ऐसा करने से आसपास से नई ब्रांचेस निकल आएंगी जो होंगी 2G ब्रांचेस। कुछ दिनों बाद जब इन सेकेंड जनरेशन ब्रांचेस में 5 पत्ते आ जाए तो 2G ब्रांच की टिप्स को भी काट दीजिए। कुछ दिनों में इन 2G ब्रांचेस में से और नई ब्रांचेस आ जाएंगी जो होंगी 3G ब्रांचेस। और इन्हीं थर्ड जनरेशन ब्रांचेस में लगभग हर पत्ती के लीफ नोड से फीमेल फ्लावर्स यानी मादा फूल ही आएंगे,
जो थोड़े समय बाद फ्रूट्स में बदल जाएंगे। पौधे के सबसे नीचे की तरफ से निकलने वाले इस तरह के सकर्स को भी समय समय पर हाथ से या कैंची की मदद से काटते रहिए, क्योंकि इनमें कभी भी फल नहीं आते हैं। 2 महीने बाद हमारी बेल ऊपर तक बढ़ गई है और कैनोपी पर फैलने लगी है। ये बेल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसे अच्छी तरह से फैलने के लिए बांस, तार या रस्सी से बनी हुई नेट जैसा कोई मजबूत स्ट्रक्चर चाहिए होता है। मैंने बांस और जूट की रस्सी की मदद से ये मजबूत नेट बनाई है जो बेल को अच्छी तरह से फैलने में मदद करेगी। ये रिजल्ट है 75 दिनों बाद का। इसमें अब फूल आना शुरू हो गए हैं। ये सभी 3G ब्रांचेस हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था, 3G कटिंग करने के बाद हर पत्ती के लीफ नोट से छोटी छोटी गिल्कियां आना शुरू भी हो गई हैं। दोस्तों, गिल्की के बीज लगाए हुए आज 3 महीने हो गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी ये बेलें ढेर सारी ताजी गिल्कियों से भर गई हैं। आमतौर पर जब लोग गमले में गिल्की की बेल उगाते हैं तो उसमें इतनी ज्यादा गिल्कियां कभी नहीं आती, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि हर ब्रांच पर हर साइज की गिल्कियां लगी हुई हैं। और ये कमाल है सही न्यूट्रिशन, सही मिट्टी और 3G कटिंग का। साथ ही फूलों पर परागण करने वाले मेरे ये पॉलिनेटर फ्रेंड्स जो एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर पॉलिनेशन करते रहते हैं, और ये मेरे गार्डन में इसलिए आते हैं क्योंकि मैं पौधों पर कभी भी केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं करता हूँ। और अब मैं करने जा रहा हूँ गिल्कियों की हार्वेस्टिंग। गिल्कियों को तभी तोड़ लेना चाहिए जब वो हल्की कच्ची और थोड़ी नरम हो। ज्यादा समय तक बेल पर गिल्की लगे रहने देने से गिल्की पकने लगती है और अंदर के बीज भी सख्त हो जाते हैं। फ्रूटिंग शुरू होने के बाद मैं हर कुछ दिनों में थोड़ी बहुत गिल्कियां तोड़ता रहता हूँ। समय समय पर गिल्कियां तोड़ते रहने से नई नई गिल्कियां आती रहती हैं। ये बेल 2 या 3 महीने तक इसी तरह से गिल्कियां देती रहेगी। गिल्की की बेल काफी तेजी से बढ़ती है और ये हैवी फीडर भी होती है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन से भरपूर ऑर्गेनिक खाद देने की जरूरत होती है। इस साइज के कंटेनर में 2 सप्ताह में एक बार 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालिए और हर महीने 1 मुट्ठी बोन मील पाउडर भी डालना चाहिए। अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए गिल्की की बेल को ढेर सारी धूप चाहिए, इसलिए कंटेनर को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां दिन में कम से कम 8 घंटे धूप आती हो। कंटेनर में उगाए गए गिल्की के पौधों की मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, इसलिए इसमें समय समय पर पानी देते रहना चाहिए। गर्म दिनों में मिट्टी को कभी भी पूरी तरह से नहीं सूखने देना चाहिए और रोज भरपूर पानी देना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि कंटेनर में पानी रुका न रहे, क्योंकि ज्यादा नमी होने से इसमें रूट रॉट होने का डर होता है। गिल्की का पौधा साल में 2 बार उगाया जा सकता है। इसके बीज बोने का बेस्ट समय होता है फरवरी से अप्रैल और जून से जुलाई के बीच। दोस्तों, गिल्की की बेलों पर फ्रूट फ्लाई, फ्रूट बोरर, एफिड्स, माइट्स और पाउडरी माइल्ड्यू लगने की काफी संभावना होती है। इससे ऑर्गेनिक तरीके से आसानी से निपटा जा सकता है। 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल डालकर महीने में 2 बार पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए। जहरीले केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल करने से हमेशा बचना चाहिए। गर्मियों और उमस भरे मौसम में पत्तों पर पाउडर के जैसे दिखने वाली पाउडरी माइल्ड्यू लग जाती है। इससे बचाव के लिए प्रभावित पत्तियों को तोड़कर अलग कर देना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी तरह आप भी आसानी से अपनी छत या गैलरी में कंटेनर्स में भी इस तरह की ढेर सारी शानदार और 100% ऑर्गेनिक गिल्की उगा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।